कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूँगी कि राज कौर जो है महाराजा रणजीत सिंह की माँ थी, और उन्होंने उनका जो हाथ था रणजीत सिंह को रणजीत सिंह बनाने में वो बहुत बड़ा था. उन्होंने जब महा सिंह की डेथ हुई, जब रणजीत सिंह के पापा की डेथ हुई, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन संभाला. और वो टाइम पे जब मतलब वो टाइम पे जब औरतें एक्चुअली मतलब संभालती नहीं थी, वो टाइम पे उन्होंने रियासत संभाली. एक तरीके से बोलते हैं ना कि ये वो टाइम का वुमेन एम्पावरमेंट है. और महाराजा रणजीत सिंह की लाइफ में जो भी एक इमोशनल एक माँ से उनके जो नेचर में एक जो इमोशनल टच आया वो उनकी मम्मी से आया. राज कौर जो थी वो हमेशा सबको एक साथ लेके चलना चाहती थी, तो वो भी एक चीज़ है जो इक्वालिटी वाली चीज़ है. वो भी बोलते हैं ना हर चीज़ घर से पहले शुरू होती है. तो महा सिंह और रानी राज कौर, इन्होंने घर पे बहुत सारे ऐसे बीज बोए थे जिसकी वजह से रणजीत सिंह बने. बहुत स्ट्रेस होता है कॉस्ट्यूम पर, ये नहीं, बहुत ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स बने हैं मेरे, बहुत ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स बने हैं, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो बहुत मेहनत वाला प्रोसेस है, वो बहुत स्ट्रगलिंग प्रोसेस है. ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, पहनने के बाद इतना ब्यूटीफुल लगता है कि आपकी सारी तकलीफ़ निकल जाती है. बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए भेजा कि जाओ तुम ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करो. नहीं, जोक्स अपार्ट, पर हाँ कभी कभी क्या होता है, कभी कभी चीज़ें आपके अभी जैसी चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में होती है, मैं चूज़ कर सकती हूँ खुद और मैं मना भी कर सकती हूँ. लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको, मैं बचपन से, जब से मैं मराठी टेलीविज़न कर रही हूँ तब से मैं स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये शायद मेरी डेस्टिनी है. और मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई चीज़ मुझे इंस्पायर करती है तो वो मेरे ऑडियंसेस को ज़रूर इंस्पायर करेगी. और ऐसी ही चीज़ करूँ ना जो सीख दे, जो इंस्पिरेशन दे, जो लोगों को एक बोलते हैं ना एक कुछ अच्छी चीज़ छोड़ के जाए उनके पास. पता नहीं, मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को वैसे तो मिक्स नहीं करती और करना भी नहीं चाहती, लेकिन हाँ ये सारे कैरेक्टर्स हैं आपको कुछ ना कुछ सीख दे के जाते हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ की हो, चाहे वो एम्पावरमेंट की हो, या चाहे वो सिचुएशंस फेस करने की हो. दमनप्रीत और तनीषा के बारे में कहूँगी, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, तो उनके साथ मुझे मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है. मस्ती लेकिन अलग तरीके की मस्ती, क्योंकि एकदम भी छोटे बच्चे नहीं है, वो बड़े हैं, उनको सारी चीज़ें समझ में आती है. लेकिन एक वो लोग जब सेट पे होते तो एक माहौल प्लेफुल बन जाता है. शालीन के साथ आई हैव अ वेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप विच इज़ नाइस इनफ एंड गुड इनफ. दिस मैं बोलूँगी कि कहीं भी ना कहीं छेड़खानी नहीं होगी इसमें, कि जो हिस्ट्री है वो एक्चुअल हिस्ट्री आपको देखने मिलेगी. और एक वो बोलते हैं ना कि वो टाइम इतना अलग था, वो टाइम को दिखाने की कोशिश की है. सबको पता है महाराजा रणजीत सिंह ने उन्होंने कैसे बने, क्या बने, लेकिन वो जब वो टाइम का जो पॉलिटिकल ड्रामा था, अफगान्स, मुगल्स, ब्रिटिश एंड हिंदुस्तान एंड पंजाब, वो सारी चीज़ें, वो ड्रामा बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूज था. तो एक्चुअली महाराजा रणजीत सिंह बनाने का मेन मोटिव यही है कि कैसे उस एक बंदे ने, कैसे उस एक बंदे ने एक मुट्ठी जैसे बंद करते वैसे पंजाब को इकट्ठा किया. ये एक सीख है लोगों के लिए एंड ऑल्सो इंस्पिरेशन भी होनी चाहिए आज के लोगों को, आज के बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए ना कि उनकी हिस्ट्री में क्या हुआ है और कैसे हुआ है. सबको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ शो देखिए, सबकी बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे, सबकी लगती है, हर शो के पीछे लगती है, लेकिन इसके पीछे भी लगी है क्योंकि मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ. मेरे लिए ये पहला हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है और आई होप कि आप मुझे और हम सबको पसंद करें और हमारा शो पसंद करें. प्लीज़ देखें शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, ओनली ऑन लाइफ. ओके.